राम के नाम पे इनको वोट चाहिए, सेना के नाम पे इनको वोट चाहिए। मालूम है ना, सेना के नाम पे भी वोट मांगा था, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो राम के नाम पे इनको वोट सरकार दो। चाइना से नहीं लड़ सकती है, लेकिन अपने देश के किसानों के साथ लड़ सकती है, अपने देश की महिला पहलवानों के साथ लड़ सकती है, अपने देश के युवा नौजवानों के साथ लड़ सकती हैं, क्योंकि मोदी जी के पास प्रशासन की पावर है, ताकत है, सरकार में है, तो किसी भी हद तक ये सरकार जा सकती है। एमएसपी की गारंटी मोदी सरकार ने तो पीछे कहा था कि हम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया? वादा खिलाफी तो केंद्र सरकार कर रही है, और फिर जब ये किसान सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं तो ये मोदी सरकार विदेश जा रही है आराम से। जब भी कोई माहौल देश के अंदर ऐसी तनाव का बनता है तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ के विदेश में आराम से सुख चैन की नींद सोने चले जाते हैं। इसे कौन सा देशभक्ति कहा जाता है मैं नहीं जानता, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। दुनिया में जब किसी भी कंट्री में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति विदेश का दौरा कैंसिल करके वो अपने स्वदेश देश लौटते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है तो वो देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं आराम फरमाने, कोई साहब की सुख चैन में बाधा ना बने। 12 बजे रात्रि को नोटबंद, मोदी जी जो विदेश, वार्ता करके खत्म करना चाहिए उसको बढ़ावा देने का काम, हवा देने का काम ये सरकार करती है। किस तरीके से करती है, आज आप दृश्य आप सब पूरे देश की जनता के सामने हैं, आप देखिए कि बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, तमाम तरह की चीजें किस तरीके से किसानों के साथ किया जा रहा है। लेकिन किसानों की समस्या ये दूर नहीं कर सकते, नौजवानों की समस्या दूर नहीं कर सकते, बेरोजगारी ये दूर नहीं कर सकते, महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे इनको वोट दे दो? वो भी आधे अधूरे मंदिर के नाम पे दे दो भाई। आपको लगता है कि मोदी जी से देश संभल रहा है? नहीं संभल रहा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या फिर से एक मौका मिलना चाहिए? किस चीज के लिए मिलना चाहिए ये तो पूछो भाई जनता, मैं देश की जनता से आपसे पूछ रहा हूं कि किस चीज के लिए मोदी जी को मौका मिलना चाहिए? 370, उससे देश का आम नागरिक को क्या बेनिफिट? राम मंदिर, उससे देश के आम नागरिक को क्या बेनिफिट? विकास के कार्य कौन से हुए हैं, जैसे एक एक आध का नाम कोई बताए? विकास कार्यों पे वोट होना चाहिए, विनाश के काम में माहिर है मोदी जी। याद है आपको पिछली बार का किसान आंदोलन, 709 किसान शहीद हुए थे, और वो भी मोदी जी एक साल के धरना पे, जब एक साल से ऊपर मतलब किसानों ने धरना दिया था। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। देश में गृह युद्ध जैसा माहौल अभी वर्तमान में फिर से हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी बॉर्डरों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से प्रशासन का हमला करना, और ऊपर से केंद्र सरकार, जब भी कोई माहौल देश के अंदर ऐसी तनाव का बनता है तो उस टाइम देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ के विदेश में आराम से सुख चैन की नींद सोने चले जाते हैं। इसे कौन सा देशभक्ति कहा जाता है मैं नहीं जानता, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। दुनिया में जब किसी भी कंट्री में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति विदेश का दौरा कैंसिल करके वो अपने स्वदेश देश लौटते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है तो वो देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं आराम फरमाने, कोई साहब की सुख चैन में बाधा ना बने। याद है आपको नोटबंदी का समय,
12 बजे रात्रि को नोट बंद, मोदी जी विदेश। अभी आपने मणिपुर में देखा ही होगा किस तरीके से निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाएगा मोदी जी विदेश। अभी आप देख लीजिए किसान आंदोलन, महीनों से चेतावनी दे रहे हैं किसान, जो वार्ता करके खत्म करना चाहिए उसको बढ़ावा देने का काम, हवा देने का काम ये सरकार करती है। किस तरीके से करती है आज आप दृश्य आप सब पूरे देश की जनता के सामने है। आप देखिए कि बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, तमाम तरह की चीजें किस तरीके से किसानों के साथ किया जा रहा है। ये मोदी सरकार चाइना से नहीं लड़ सकती है लेकिन अपने देश के किसानों के साथ लड़ सकती है, अपने देश की महिला पहलवानों के साथ लड़ सकती है, अपने देश के युवा नौजवानों के साथ लड़ सकती है, क्योंकि मोदी जी के पास प्रशासन की पावर है, ताकत है, सरकार में है, तो किसी भी हद तक ये सरकार जा सकती है। और शायद मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा शर्मनाक किसानों के साथ जो देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उस वो अपने हक की आवाज मांग रहे हैं। एमएसपी की गारंटी मोदी सरकार ने तो पीछे कहा था कि हम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया? वादा खिलाफी तो केंद्र सरकार कर रही है और फिर जब ये किसान सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं तो ये मोदी सरकार विदेश जा रही है आराम से। तो क्या आप लोग ऐसी सरकार को सपोर्ट करते हैं? अरे भाई आप देखिए ना, राम के नाम पे इनको वोट दे दो लेकिन समस्या के नाम पे इनको वोट मत देना। राम राम के नाम पे इनको वोट चाहिए, सेना के नाम पे इनको वोट चाहिए। मालूम है ना, सेना के नाम पे भी वोट मांगा था, अभी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो राम के नाम पे इनको वोट दो। लेकिन किसानों की समस्या ये दूर नहीं कर सकते, नौजवानों की समस्या दूर नहीं कर सकते, बेरोजगारी ये दूर नहीं कर सकते, महंगाई पे ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या सिर्फ मंदिर के नाम पे इनको वोट दे दो? वो भी आधे अधूरे मंदिर के नाम पे दे दो भाई। जरा समझिए क्या मोदी जी से देश संभल रहा है? आपको लगता है कि मोदी जी से देश संभल रहा है? नहीं संभल रहा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या फिर से एक मौका मिलना चाहिए? किस चीज के लिए मिलना चाहिए ये तो पूछो भाई जनता, मैं देश की जनता से आपसे पूछ रहा हूं कि किस चीज के लिए मोदी जी को मौका मिलना चाहिए? कौन सा ऐसा काम कर दिया 170, उससे देश का आम नागरिक को क्या बेनिफिट? राम मंदिर, उससे देश के आम नागरिक को क्या बेनिफिट? विकास के कार्य कौन से हुए हैं? जैसे एक आध का नाम कोई बताए। विकास कार्यों पे वोट होना चाहिए, तो क्या मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं? कोई विनाश के काम में माहिर है मोदी जी। अगर मोदी जी अकलमंद होते तो देश में रुकते, किसानों से मिलते, किसानों की समस्या का समाधान करते। इनकी जिद की वजह से फिर से लाखों करोड़ों आदमी परेशान हो रहे हैं। तो मोदी जी लोगों को दुख देके सुखी होते हैं, मोदी जी देश के नागरिकों को परेशान करके सुख लेते हैं। जब तक कोई मरे नहीं, कोई हाथ पैर टूटे नहीं। याद है आपको पिछली बार का किसान आंदोलन, 709 किसान शहीद हुए थे और वो भी मोदी जी एक साल के धरना पे, जब एक साल से ऊपर मतलब किसानों ने धरना दिया था। क्यों मोदी जी झुके थे पता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक था, इसलिए मोदी जी झुके थे। और फिर मोदी जी दो चार दिन बाद, 10 दिन बाद झुकेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। जय हिंद।